So what's up, कैसे हो आप सब? This is आपका अंकित कौशल में मिसिंग द वीडियो एंड वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। आज जो आप वीडियो देख रहे हो, ये छोटा सा पीसी है, इसकी कॉस्टिंग है टोटल रफली 50,000 के आसपास। ये पीसी किसका? ये है मिस्टर मोहन यादव, जो कि गेमर एडिटर हैं, 17 साल उम्र है, अंबरनाथ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, 5 से 8 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। चैनल पर आप लोग आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना किया हो तब भी कर लीजिएगा। आइए दिखाते हैं कि 50,000 रुपए में क्या पीसी जा रहा है। ये बात को मेरी नोटिस करना कि ये पीसी फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर प्रूफ मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं ना, फ्यूचर प्रूफ लगे हैं। बहुत जल्दी जल्दी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट की। तो इसके अंदर हमारी कैबिनेट लगी है आर्ट स्पोर्ट्स की 690 AR, जिसमें 3 ARGB फैन फ्रंट में आते हैं। टॉप पे आपको 360 mm लिक्विड कूलर लगाने का स्पेस मिलता है, हेडफोन जैक, माइक जैक, सारे पोर्ट्स मिलते हैं, और उसके अलावा साइड में टफन ग्लास मिलता है, नीचे SMPS का कटआउट मिलता है, पीछे कोई फैन नहीं आता है। तो ये कैबिनेट हमारी यूज होती है इस पर्टिकुलर बेड में। बाकी अगर आपको इन कंपोनेंट्स को ऑनलाइन बाय करना है तो यूट्यूब ने भी आपको फीचर देखा है, आप उसको वहां जाके व्यू प्रोडक्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहां से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारी यूज हो रही है कैबिनेट, जो कि फ्यूचर प्रूफ, इट मींस आप इसमें 360 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी। उसके अलावा जो प्रोसेसर इसमें यूज हो रहा है, बात समझिएगा, वो यूज हो रहा है AMD Ryzen 7 5700G, मतलब 8 core 16 thread का प्रोसेसर है और विद रेडियन ग्राफिक्स साथ आता है। बेस 3.8 फुल बूस्ट लग जाता है 4.6, और ये रहा सीरियल नंबर और ये रही सील। ठीक भाई, तो ये रहा हमारा प्रोसेसर जो कि इस बेड में यूज हो रहा है। उसके बाद यूज हो रहा है इसमें मदरबोर्ड हमारा Asus Prime B550MA Wi-Fi 2 यूज हो रहा है, जिसमें आपको मिलते हैं Wi-Fi 6 का सपोर्ट। उसके अलावा एक 650 वाट की, देखो 550 सीरीज का मदरबोर्ड यूज हो रहा है, इट मींस फ्यूचर प्रूफ। उसके अलावा 650 वाट की SMPS में लगा रहे हैं हम लोग इसमें, XPG की 650 वाट 80 प्लस ब्राउन, इट मींस 3060 ग्राफिक कार्ड तक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा इसमें जो रैम यूज हो रही है वो यूज हो रही है T4 की डेल्टा, 8 GB की 2 sticks, ये देखिए 8 GB की 2 stick, ब्लैक कलर की, 8 GB रैम 32 MHz की। उसके अलावा जो इसमें NVMe यूज हो रही है, वो यूज हो रही है सैमसंग की आपके 980 500 GB की NVMe, जिसकी डेटा स्पीड अप टू 3500 MBPS। तो 50,000 रुपये में ये सिस्टम ज़्यादा, मतलब आपकी अपडेटेड NVMe 650 SMPS, 16 GB रैम, 550 मदरबोर्ड, 57 GB प्रोसेसर और आपकी बड़ी कैबिनेट। आइए सबको अनबॉक्स करते हैं, बिट करके दिखाते हैं कि लुक इसका कैसा आ रहा है। तो भाई लोग, सबसे पहले सील ब्रेक करने जा रहे हैं। देखिए प्रोसेसर की ये गई सील प्रोसेसर की, उसके बाद सील ब्रेक होने जा रही है आपकी NVMe की। सो ये गई आपकी NVMe की सील, ठीक। उसके बाद रैम ऑलरेडी सील वो होती है, मतलब रैम को क्या होता है, नहीं होती है सील रैम में भी। देखिए यहाँ से ये गई रैम की सील, और ये गई यहाँ से ये गई रैम की सील। उसके अलावा ये रहा हमारा मदरबोर्ड की सील, SMPS की सील। अनबॉक्स कर ले फिर दिखाते हैं। तो भाई लोग, कंपोनेंट सारे वन बाय वन हमने अनबॉक्स कर लिए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोसेसर से। तो ये रहा प्रोसेसर AMD Ryzen 7 5700G। उसके अलावा इसके ये स्क्रू हो गए मदरबोर्ड के, IO शीट हो गई, ये हो गई आपकी रैम्स, और ये हो गया आपका CPU का एयर कूलर विथ थर्मल पेस्ट के साथ, और ये हो गई देखिए इसकी NVMe, ठीक, ये NVMe हो गई। ये रहा हमारा मदरबोर्ड, 4 RAM स्लॉट के साथ आता है, और IO पोर्ट्स दिखे आपको, इसके बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। ये रहे इसके IO पोर्ट्स, Wi-Fi 6 के साथ ही आपको मिलता है, और ये रहे इसकी पावर सप्लाई। अब एक काम करते हैं, शॉर्ट देखो आप, पूरा बिल्ड आपके सामने करते हैं, फिर दिखाते हैं कि बिल्ड होने के बाद कैसा लग रहा है। सो भाई लोग, देखिए सिस्टम कंप्लीट हो गया, बिल्ड हो गया, डन हो गया, सब कुछ एवरीथिंग इसमें सॉर्ट हो चुका है। इसके अलावा देखिए लुक कैसा आ रहा है निकल के इसका, ये देख लीजिए आप, देख रहे हैं T4 की रैम
और ये देखिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। एंड फ्रंट की जो आपके आरजीबी है ना वो भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए टोटल आरजीबी लाइट तीनों चल रही हैं, इसमें फैन भी चल रहे हैं हमारे, पीछे फैन नहीं लगाया हमें क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है उसकी। और ये देखिए रहा सिस्टम, मतलब फुल कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ है, बहुत शानदार तरीके से बिल्ड हुआ है। सो भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपका आपके पीसी। और एक बात और हम लोगों से कहना चाहेंगे कि ये पीसी आपको बताएं अपने बजट के हिसाब से बेस्ट इन सेगमेंट है, क्योंकि देखो 16 GB रैम के साथ अगर आप पीसी लेते हो और एक 550 मदरबोर्ड, इसमें वाईफाई 6 है, एक कैबिनेट भी देखो इसमें ऐसी लगी है, ये देखो कैबिनेट, कि इसमें आपको फ्यूचर में ना टॉप पे आप 360 mm का लिक्विड कूलर इजिली इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। इट मीन्स फ्यूचर प्रूफ पीसी है, 50,000 में आपका सब कुछ हो गया। अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ग्राफिक कार्ड छोटा सा लेके लगा देना है और पीसी आपको रन करेगा। देखो हमने बहुत ही कोशिश की कि वीडियो छोटी छोटी बनाए। सो आज के लिए इतना ही भाई, जो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नए पुराने हो तो लाइक करके बता जाना मत। आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज उसको तो खुशी से रहिए, ऐसी खुशी बनाए कि जल्द मिलते हैं उस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।